राय मेकिंग गैजेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में लाइट कटने की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस इसी चीज़ का सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे 200 वाट का बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर बनाया है। तो मैंने इस इन्वर्टर को कैसे बनाया इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये 200 वाट का पावरफुल इन्वर्टर बनाने के लिए सबसे पहले एमडीए बोर्ड का पीस ले लेने का। ये जो एमडीए बोर्ड का पीस है इसकी लंबाई 20.5 सेंटीमीटर की है और इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर 12.0125 एम्पीयर का एक ट्रांसफार्मर ले लेने का है जो कि गाइस आपको इजिली इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। उसके बाद एक 200 वाट का इन्वर्टर किट ले लेने का है जो कि आपको ऑनलाइन इजिली मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब गाइस ये ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर किट को एमडीए बोर्ड के ऊपर फिट करके अच्छी तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए गाइस इसको यहाँ पर फिट करके इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर किट को एमडीए बोर्ड पर फिट कर दिया और इसका कनेक्शन भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। चलिए एक बार आपको यहाँ पे इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर में देख सकते हो इस तरफ 12.0.12 यहाँ पे ये तीन वायर है जिसको मैंने इन्वर्टर किट के यहाँ पर ये जो 12 वाला वायर है इसको इन्वर्टर किट के नट में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये जो 0 वाला वायर है इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक रेड वाला वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक और 12 वाला वायर है जिसको मैंने नट पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे इन्वर्टर किट में एक नेगेटिव के लिए ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे मैंने 2 वायर को ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट किया है। गाइस यहां पर हमें बैटरी को कनेक्ट करने का है। ये जो 2 वायर आप लोग देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो वायर है इसमें हमें बैटरी को कनेक्ट करने का है और भी गाइस डिफरेंट तरीके से मैं बैटरी को कनेक्ट करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी गाइस यहां पे इसका इतना कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब गाइस यहां पर मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी ले ली है। ये वाला जो बैटरी है इसको मैंने बिना BMS के बनाया है। आप लोग यहां पे एक क्लिप देख सकते हो उसके हिसाब से गाइस आप लोग ये 12 वोल्ट की बैटरी को बना सकते हो। गाइस पिछली वीडियो में लैपटॉप की बैटरी को मैंने खोलकर दिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाऊंगा अभी बिना BMS के। तो चलिए गाइस बिना BMS के 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बैटरी को डबल सेट टेप से यहाँ पर चिपका लेने का है। तो मैंने सभी बैटरी को यहाँ पर डबल सेट टेप से चिपका दिया है। अब गाइस इस बैटरी का कनेक्शन करने के लिए मैंने कॉपर वायर ले लिया है। अब इस कॉपर वायर से इस बैटरी पैक का कनेक्शन करेंगे। गाइस इसका हमें सीरीज में और पैनल में कनेक्शन करने का है, तो मैंने यहाँ पर बैटरी पैक का कनेक्शन कर दिया है। अब गाइस इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर मैंने चार्जिंग मॉड्यूल ले लिया है। इस तरीके का मैंने 3 चार्जिंग मॉड्यूल ले करके इसके साथ हीट सिंक को कनेक्ट कर दिया है। अब गाइस ये जो तीनों चार्जिंग मॉड्यूल है इसको एक बॉक्स के साथ फिट कर देंगे। अब गाइस स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसके हिसाब से आप लोग इजीली कनेक्शन कर सकते हो। तो फाइनली गाइस यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी पैक बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए गाइस यहाँ पर इसको एक बार चार्ज करके देख लेते हैं। तो गाइस फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज हो चुका है, 10.83 वोल्ट तक अभी ये चार्ज हुआ है और गाइस मोटर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर वर्क कर रहा है। गाइज आप लोगों ने इसका क्लिप देख लिया होगा और गाइज इजीली अपने घर पर यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल को लगा करके इस 12 वोल्ट की बैटरी को बना सकते हो और गाइज बहुत ही अच्छी तरीके से बैटरी काम कर रहा है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने नेगेटिव वाले पॉइंट पे 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव वाले पॉइंट पे 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब गाइज जो बैटरी है इसको हमें एमडीए बोर्ड पे लगाना होगा जहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर को लगाया है। चलिए इसको भी वहाँ पे लगाकर अच्छे से फिक्स कर देते हैं। गाइज ये 12 वोल्ट बैटरी पैक का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। गाइज ये जो बैटरी है इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट को मैंने इन्वर्टर किट के सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। अब गाइज ये जो 3 वायर आप लोग देख रहे हो इसको मैंने अलग अलग टैपिंग किया है, ये मैंने किस लिए किया है चलिए ये भी जान लेते हैं। गाइज यहाँ पर इन्वर्टर किट में ये जो रेड वाला वायर है इसको यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वाला वायर है और यहाँ पर ये जो इन्वर्टर किट का ब्लैक वाला वायर है वो नेगेटिव वाला वायर है। ये वाला वायर गाइज मैंने इसलिए निकाला है जब ये बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, जब इसको हम चार्ज ना कर पाए तब हम कोई अदर बैटरी को लगा करके इस इन्वर्टर किट को चला सकते हैं।
मतलब इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। इसलिए गाइज मैंने ये दो वायर को निकाला है। अब गाइज यहाँ पर इस बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने ये वाले वायर को निकाला है। यहाँ पे इन्वर्टर किट से एक नेगेटिव वाले वायर को निकाल लेने का है और बैटरी से यहाँ पे एक नेगेटिव वाले वायर को निकाल लेने का है। इसको गाइज हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे इस बैटरी को ऑन ऑफ करके हम इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब गाइज इस बैटरी को देखेंगे कैसे कि कितना चार्ज हुआ है, कितना चार्ज बाकी है। उसके लिए गाइज यहाँ पर मैंने ये वाला वायर लिया है, यानी कि गाइज यहाँ से बैटरी के नेगेटिव वाला वायर है और ये वाला जो वायर है ये पॉजिटिव वाला वायर है, जिसको हम यहाँ पे बैटरी लेवल इंडिकेटर में लगा सकते हैं और यहाँ पे सॉकेट में भी लगाकर हम 12 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये तीनों वायर का यही काम है, आगे आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब गाइज ये MDF बोर्ड के ऊपर ये बैटरी, इन्वर्टर किट और ये ट्रांसफार्मर को ऐसे खुला नहीं रख सकते, तो गाइज इसको हमें कवर करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर PVC पाइप के शीट से कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर ये वाला जो पीस है इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है 17.5 सेंटीमीटर की है और इस तरीके के मैंने यहाँ पे दो पीसेस को कट कर लिया है। और गाइज यहाँ पर मैंने दो PVC पाइप के इस तरीके के डिजाइन यहाँ पर मैंने कट कर लिए, जो कि गाइज आप लोग इजीली यहाँ पर कट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कट किया, आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पर ये जितने भी हमारे पास पीस पड़े हुए हैं PVC पाइप के, ये सभी को जोड़ करके एक कवर टाइप में बनाएंगे जिसके अंदर इस इन्वर्टर का जो हमारा पूरा सेटअप है इसको इसके अंदर हम फिट करेंगे। तो चलिए गाइज इसका एक अच्छा सा कवर बनाकर रेडी कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर सभी PVC पाइप के सीट को असेंबल करने के बाद कुछ इस तरीके का डिजाइन बन चुका है और इसको सैंड पेपर से घिस करके अच्छी तरीके से फिनिशिंग भी दे दिया, जिससे ये दिखने में अच्छा भी लग रहा है। अब गाइज यहाँ पर मैंने दो इस तरीके के PVC पाइप के सीट कट कर लिए, जिसमें से गाइज ये वाला जो PVC पाइप का सीट है इसको पीछे के साइड में लगा देंगे और ये वाला जो PVC पाइप का सीट है इसको आगे के साइड में यहाँ पर लगाएंगे। उससे पहले गाइज ये दोनों को लगाने से पहले यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारे कंपोनेंट को निकाल रखा है। अब गाइज यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसको गाइज यहाँ पे रख करके इसकी अच्छी तरीके से मार्किंग करेंगे और मार्किंग करके गाइज यहाँ पर हमें स्लॉट को कट करना है। चलिए गाइस फटाफट से इसकी मार्किंग करके स्लॉट को कट कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर दोनों PVC पाइप के सीट में अच्छे से स्लॉट को कट करके सैंड पेपर से घिस करके फिनिशिंग दे दिया हूँ। गाइज यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छा फिनिशिंग मिला है। उसके बाद गाइज यहाँ पर ये वाला जो हमारा PVC पाइप की बॉडी है उसको ले लेने का है और गाइज यहाँ पर देख सकते हो MDF बोर्ड के ऊपर मैंने एक होल यहाँ पे किया है और एक होल गाइज यहाँ पर मैंने कर दिया है। ये जो MDF बोर्ड का पीस है इसको इसके अंदर लगा करके कुछ इस तरीके से गाइज यहाँ पर इसको लगाने का है। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो दो नट बोल्ट मैंने यहाँ पे निकाला है, इसी से गाइज यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर ये वाला जो हमारा बैक साइड का पीस है इसको गाइज यहाँ पर पीछे की तरफ लगा करके यहाँ पे देख तो एक हमने ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको गाइस यहां पर ये जो स्लॉट मैंने कट किया है उसके ऊपर लगा करके अच्छे से नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से इसको अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। This is the future.
This is the future. गाइस यहाँ पर बैक साइड के पीवीसी पाइप के सीट को अच्छे से लगा दिया और यहाँ पे मैंने 3 फीमेल सॉकेट भी लगा दिया है, जिससे हम लोग लिथियम बैटरी का जो चार्ज है वो चेक कर सकते हैं। जो 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी है वो कितना चार्ज है इस तीनों फीमेल सॉकेट से हम लोग चेक कर सकते हैं, और इजिली गाइस यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग मॉड्यूल से इजिली उसको चार्ज कर सकते हैं। अब गाइस फ्रंट साइड का पीवीसी पाइप का सीट ले लेने का है, और यहाँ पर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट है ये सभी कंपोनेंट को इसके अंदर लगा करके अच्छे से इन सभी का कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए गाइस एक एक करके इनको लगा करके अच्छे से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर सभी कंपोनेंट को पीवीसी पाइप के सीट के अंदर लगा दिया हूँ, तो चलिए इसके कनेक्शन को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसका कनेक्शन को सबसे पहले समझेंगे। तो गाइज ये जो सॉकेट का पिन है और ये वाले जो सॉकेट का पिन है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करके यहाँ पर मैंने ब्लैक वाले वायर को बाहर निकाल दिया है, और ये वाले जो सॉकेट का पिन है और ये वाले जो सॉकेट का पिन है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करके मैंने यहाँ पर रेड वाले वायर को बाहर निकाल दिया है। अब गाइज ये वोल्ट मीटर और ये स्विच और यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसका कनेक्शन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है इसका जो नेगेटिव वाला वायर है इसको मैंने स्विच के एक लेग में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे इसके दूसरे लेग से मैंने ब्लैक वाले वायर को इस तरीके से बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पे ये जो सॉकेट है इसमें से मैंने नेगेटिव वाले वायर को बाहर निकाल दिया है, और इसमें से मैंने पॉजिटिव वाले वायर को बाहर निकाल दिया है। नेगेटिव वाले वायर को मैंने स्विच के एक लेग के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो पॉजिटिव वाला वायर है उसको मैंने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस आप लोगों ने वोल्ट मीटर और स्विच और यहाँ पे ये जो सॉकेट है इसका कनेक्शन आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक और सॉकेट लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक एलईडी लाइट लगाया है। ये मैंने इसलिए लगाया है जो हम लोग अदर एक्स्ट्रा बैटरी इसके अंदर कनेक्ट करेंगे तो गाइस ये लाइट इंडिकेट कर देगा कि हमने कोई और बैटरी को इसके अंदर लगा दिया है, और यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो गया है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर मैंने ये सॉकेट और यहाँ पे ये जो एलईडी लाइट है उसको लगाया है। इसका कनेक्शन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो ये एलईडी लाइट आप लोग देख रहे हो, ये वाला पॉइंट जो है इसका पॉजिटिव है, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसके अंदर मैंने 1K का रजिस्टर लगा करके मैंने यहाँ पे सॉकेट के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो एलईडी लाइट का नेगेटिव वाला पॉइंट है उसे मैंने सॉकेट के नेगेटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से रेड वाले वायर को बाहर निकाल दिया है, और यहाँ से मैंने ब्लैक वाले वायर को बाहर निकाल दिया है। जो हम इन्वर्टर के सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। मैं आपको इसका कनेक्शन भी समझा दूंगा किस तरीके से करने का है। गाइस ये स्विच जो है हमने इसको यहाँ पे खाली छोड़ा, ये इसलिए छोड़ा है जो हम बैटरी अंदर लगाए हैं उसको गाइस इजीली ऑन ऑफ करके हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस स्विच के मदद से, इसलिए गाइस यहाँ पर मैंने इसको लगाया है। अब गाइस यहाँ पर ये बल्ब होल्डर और ये स्विच का कनेक्शन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये जो बल्ब होल्डर है इसका एक पॉइंट में मैंने ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट करके स्विच के यहाँ पे ऊपर वाले लेग में इसको कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे नीचे वाले लेग में से मैंने वायर निकाल करके सीधा गाइस यहाँ पे सॉकेट के ये वाले पॉइंट में मैंने कनेक्ट कर दिया है, जो कि गाइस हमारा 200 वाट वाला एसी यहाँ पे आउटपुट इसको मिलेगा। तो गाइस बल्ब भी इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं इस स्विच के मदद से। और गाइस यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो बल्ब होल्डर का ऊपर वाला पिन का जो वायर है ये रेड वाले वायर को मैंने सीधा यहाँ पर सॉकेट के दूसरे वाले पिन में कनेक्ट कर दिया है। इसका भी गाइस यहाँ पे पहले ही कनेक्शन है, बस यहाँ पे मैंने स्विच कनेक्ट किया है जिससे हम इस बल्ब होल्डर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इसलिए गाइस यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो फाइनली गाइस मैंने आपको
आपको इसका पूरा कनेक्शन समझा दिया है, बहुत ही इजी कनेक्शन है, आप लोग इजीली कर लोगे। गाइज यहाँ पर इन्वर्टर की बॉडी में से हमने 3 वायर को बाहर निकाला था और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के 220 वोल्ट वाला जो वायर है जहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे, यहाँ पे ये 2 वायर भी बाहर निकले हुए। गाइज ये चारों वायर का कनेक्शन हमें इसके साथ करना होगा, कैसे करना है चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। गाइज यहाँ पर जो सॉकेट का आप लोग यहाँ पे जो 2 पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे हमने रेड वाले वायर को और ब्लैक वाले वायर को बाहर निकाला था, इसका कनेक्शन हमें ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट ये दोनों वायर से कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर सॉकेट का, ये दोनों सॉकेट का और यहाँ पे जो बल्ब होल्डर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर जो इंडिकेटर है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो रेड वाला वायर जो है पॉजिटिव है और यहाँ पे ये जो स्विच है हमारे पास, ये वाला जो वायर है वो नेगेटिव है। तो ये दोनों का कनेक्शन किस में करना है, ये दोनों का कनेक्शन गाइज यहाँ पर ये जो बैटरी का वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, उसके साथ गाइज ये दोनों का कनेक्शन करने का है। अब गाइज यहाँ पर ये दो जो हमने ये वाला जो सॉकेट हमने छोड़ा था, ये दो का कनेक्शन किस में करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। गाइज यहाँ पर हमने ये जो बैटरी को उसमें कनेक्ट कर दिया है, लेकिन हमने इन्वर्टर किट में से एक पॉजिटिव वाला वायर निकाला था और यहाँ पे एक नेगेटिव वाला वायर निकाला था। ये दोनों का कनेक्शन गाइज डायरेक्ट हम लोग इसके साथ कर देंगे नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। तो गाइज हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी को अदर कनेक्ट करके हम इस इन्वर्टर को इसके मदद से चला सकते हैं। आगे गाइज इजीली आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। अब गाइज ये जो स्विच है इसका कनेक्शन हमें ये जो ग्रीन वाला और ब्लैक वाला वायर देख रहे हो इसके साथ हमें ये स्विच का दोनों लेग में डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे, तो हम लोग इन्वर्टर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि गाइज ये दोनों एक इन्वर्टर किट में से हमने वायर को निकाला है और एक यहाँ पे बैटरी से वायर को निकाला है, जिसमें एक वायर को हम यहाँ पे स्विच के एक लेग में कनेक्ट कर देंगे और एक वायर को हम स्विच के ये ऊपर वाले लेग में कनेक्ट कर देंगे। तो गाइज इजीली हम इन्वर्टर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज ये पूरा कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन करके इसको पूरी तरह से बनाकर रेडी कर लेता हूँ। अगर आपको इसका कनेक्शन नहीं समझ आएगा तो स्क्रीन पर आपको कनेक्शन डायग्राम दिख रहा है, इसके हिसाब से आप लोग इसका पूरा कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट से इसका कनेक्शन करके इसको पूरा रेडी कर लेता हूं। फाइनली गाइज इन्वर्टर बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं इसके ऊपर कलर करके इसको लेकर आता हूँ। फाइनली गाइज पूरी तरह से इन्वर्टर बनकर रेडी हो चुका है और मैंने इसके ऊपर सिल्वर और येलो कलर भी कर दिया है, जिससे ये देखने में काफी मस्त लग रहा है। तो चलिए गाइज एक बार इसका सिनेमैटिक लुक देख लेते हैं। गाइज आप लोग ने इन्वर्टर का सिनेमैटिक लुक देख लिया, अब चलिए गाइज इन्वर्टर की यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बैटरी को देख लेते हैं वो कितना चार्ज है। तो गाइज बैटरी का चार्ज देखने के लिए हमें यहाँ पे ये वाले स्विच को ऑन करना होगा, तो मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया। अभी हमारी बैटरी जो है 9.18 वोल्ट तक अभी यहाँ पर चार्ज है, यानी कि लगभग गाइज 9 वोल्ट तक हमारी बैटरी चार्ज है। तो चलिए गाइज अब यहाँ पे इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हमें ये स्विच को ऑन करना होगा। तो गाइज जैसे ही ये स्विच को यहाँ पर ऑन करेंगे तो यहाँ पे ब्लू लाइट का इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, इससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हमारी इन्वर्टर जो है वो चालू हो चुका है। अब गाइस यहां पर मैं ये 9 वाट का बल्ब ले लिया हूं, अब इस बल्ब को गाइस यहां पर मैं लगा देता हूं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर 9 वाट का बल्ब मैंने लगा दिया है, अब गाइस यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा 9 वाट का बल्ब ग्लो हो रहा है। तो चलिए गाइस यहाँ पर पूरे स्टूडियो को लाइट को यहाँ पर बंद करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कितना ब्राइटनेस कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर पूरा स्टूडियो का लाइट मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ एक ब्लू लाइट ऑन है। अब गाइस यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा एलईडी लाइट यहाँ पर ऑन हो चुका है और गाइस यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ब्राइट कर रहा है, ये देख सकते हो इसका ब्राइटनेस गाइस बहुत ही मस्त है। आप लोग गाइस इमरजेंसी के टाइम में इस इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हो अपने घरों में, देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पर ये ब्राइटनेस कर रहा है। तो गाइस इस इन्वर्टर को आप लोग इमरजेंसी में यूज़ करके एलईडी लाइट वगैरह को जला करके इमरजेंसी में काम कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर जो इन्वर्टर है मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने 3 लिथियम बैटरी को जोड़ करके मैंने यहाँ पे सीरीज में इसका कनेक्शन करके मैंने 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाकर रेडी कर दिया है। अब गाइस जो बैटरी है इसको मैं यहाँ पर ये सॉकेट में लगा दूंगा, तो जैसे ही गाइस मैं सॉकेट में लगाऊंगा यहाँ पे अंदर जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे अंदर की जो बैटरी है वो अभी यहाँ पर ऑफ है, देख सकते हो। और यहाँ पे हमारी अदर बैटरी कनेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे भी एलईडी लाइट भी ग्लो करेगा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा फीचर
फीचर है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैं एलईडी लाइट को ऑन करता हूँ, देख सकते हो अभी गाइस यहाँ पे ये कम ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पर जो अंदर हमने बैटरी लगाया है उसका एम्पियर हाई है, और ये जो है एक ही बैटरी हमने यहाँ पे लगाया है, यानी कि गाइस ये 2 एम्पियर की बैटरी होने के कारण यहाँ पे ये जो इसका जो एलईडी लाइट है इजिली यहाँ पे ग्लो नहीं कर पा रहा है। इसके जगह गाइस हम लोग 6-7-8 एम्पियर की बैटरी का यूज करेंगे तो इजिली एलईडी लाइट जो है वो ग्लो करेगा। तो मेरे को बस दिखाना था कि हम लोग अटैच करके इजिली कोई भी अदर 12 वोल्ट की बैटरी को अटैच करके यहाँ पे बाहर से भी हम इस इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं। अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इमरजेंसी में हम लोग अदर कोई भी बैटरी का यूज करके हम इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। तो अब गाइस मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब गाइस यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो सॉकेट है इसके अंदर ये यहाँ से डीसी आउटपुट निकलता है। ये जो डीसी आउटपुट है इससे आप लोग कोई भी डीसी मोटर वगैरह को इजिली चला सकते हो, यानी कि गाइस यहाँ से आप लोग 12 वोल्ट भी इजिली ले सकते हो। अभी गाइस यहाँ पर ये जो बैटरी है हमारी 8 वोल्ट तक चार्ज है। मैं आपको इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन भी एक बार चलाकर दिखाता हूँ अगर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है, चलिए वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैटरी है इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए पीछे की तरफ में हमने जो यहाँ पे पैनल निकाला था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ से हम लोग बैटरी को इजीली चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि कितनी बैटरी हमारी कौन सी चार्ज है। और चलिए गाइस इन सभी का वोल्टेज चेक करके मैं यहाँ पे सभी बैटरी को चार्ज कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बैटरी जो है वो पूरा चार्ज हो गया है। तो चलिए गाइस यहाँ पर एक बार इसका चार्ज जो है वो चेक कर लेते हैं कितना चार्ज हुआ है। तो गाइस यहाँ से इसका चार्ज देखते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं 11 वोल्ट तक हमारी बैटरी पूरा चार्ज हो चुका है। अभी भी 1 वोल्ट चार्ज होना बाकी है, उसको हम यहाँ पे बाद में चार्ज कर लेंगे। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन और यहाँ पे जो हमारा मोबाइल है उसको यहाँ पर चार्ज करके देखेंगे अच्छे से यहाँ पे चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये सॉकेट दिया हुआ है इसके अंदर गाइस यहाँ पे ये चार्जर जो है उसको लगा देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने फ़ोन ले लिया और ये देखिए गाइस फ़ोन यहाँ पे मैंने चार्ज लगा दिया है और यहाँ पे मैं इन्वर्टर को जैसे ही ऑन करूँगा वैसे फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है और ये देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज होना शुरू हो चुका है, यानी कि गाइस इजीली हम लोग फ़ोन को भी इस इन्वर्टर से चार्ज कर सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम में बहुत अच्छी तरीके से ये इन्वर्टर काम करेगा। तो अभी देख सकते हैं फ़ोन बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो अब गाइस यहाँ पर इससे आप लोग इजीली फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। तो चलिए गाइस ये सोल्डरिंग आयरन को भी चलाकर देख लेते हैं। ये जो सोल्डरिंग आयरन वो 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। ये 25 वाट के सोल्डरिंग आयरन को भी यहाँ पर हम चलाकर देख लेते हैं। तो गाइस इसका सबसे पहले यहाँ पर जो वायर है उसको यहाँ पे निकाल देंगे सॉकेट में, मैं इसको लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको सॉकेट में अच्छी तरीके से लगा दिया है और देखते हैं गाइस यहाँ पर ये सोल्डरिंग आयरन इससे चल पाता है या फिर नहीं चल पाता है। मैं यहाँ पे बैटरी भी ऑन कर दिया हूँ, देख सकते हो गाइस यहाँ पर 10 वोल्ट यहाँ पे अभी 11 वोल्ट था लेकिन अभी यहाँ पे 10.7 वोल्ट हो गया है, यानी गाइस बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ये लोड लेगा क्योंकि जो हमारी जो बैटरी है उसका एम्पियर थोड़ा कम है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही छोड़ देते हैं, ये कितना यहाँ पे गर्म होता है ये भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। गाइज यहाँ पर जो बैटरी का वोल्टेज है देख सकते हो 9.69 वोल्ट तक पहुँच गया है, यानी कि गाइज ये बहुत ही वोल्टेज यहाँ पर घट गया है, यानी कि ये जो सोल्डरिंग आयरन यहाँ पे थोड़ा गर्म हो गया है लेकिन गाइज ये इतना गर्म नहीं हो पाया है कि एक सोल्डरिंग आयरन का जो वायर है उसको यहाँ पर मेल्ट कर सके। ये देख सकते हो गाइज यहाँ पर इसको मेल्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे मैं मेल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मेल्ट नहीं हो कर पा रहा है। लेकिन गाइज ये गर्म तो हो गया है, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। अभी गाइज यहाँ रूम का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, अभी मैंने इसको थोड़ा बहुत टच किया तो यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ये देखिए गाइज अब यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पे खुद देखना, ये देखिएगा 40 हो गया, 42 हो गया और भी गाइज बढ़ रहा है, देखिए 43 हो गया, 44 हो गया। तो गाइज यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है 46-47, यानी कि गाइज इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे जा सकता है, उसके ऊपर भी गाइज इसका टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन गाइज ये सोल्डरिंग आयरन इतना हीट नहीं हुआ है कि एक ये जो आयरन है इसको यहाँ पे गर्म कर सके। मेरे ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसको 50 या फिर 100 डिग्री तक नहीं, इसको कम से कम 150 डिग्री के ऊपर इसको गर्म होना पड़ेगा, तब गाइज एक सोल्डरिंग आयरन के वायर को यहाँ पर ये मेल्ट कर सकता है। लेकिन इतना गर्म गाइज ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि गाइज ये जो इन्वर्टर में हमने जो बैटरी लगाया है वो यहाँ पे बहुत ही कम एम्पीयर का बैटरी है इसकी जगह गाइज। लेकिन अभी गाइज यहाँ पर इस जो इन्वर्टर है इसको हम नॉर्मली किसी छोटे मोटे काम के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बताना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।